व्यक्ति के आज उसकी स्पेस जो हो रही है वो कंप्रेस होती जा रही है एंड पीपल आर लाइक एंगेज्ड इनटू वन सेल्फ, खुद ही को देख रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं, बट उससे सिर्फ एक टू डायमेंशनल फोटो निकल के आ रही है. बस वो खुद का जो अंदरूनी जो सब है वो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, मुझे ठीक से शब्द उसका ये नहीं हो रहा है, बट अपने वजूद से वाकिफ नहीं हो रहे, उससे मुलाकात नहीं हो रही, उससे मुठभेड़ नहीं हो रही. सो एक डायलॉग विद वन सेल्फ इज हाई एंड दैट्स व्हाई दैट टैगलाइन वन सेल्फी. मराठी फिल्मों का बहुत बढ़िया रिवाइवल हो रहा है जिसकी मुझे बेहद खुशी है, और उमेश कुलकर्णी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. उसकी फिल्में वलू और वीर मैंने देखी, इनफैक्ट देउल में मैंने काम भी किया, और मुझे हमेशा लगा कि उमेश बहुत ग्रेट टैलेंट है और मराठी सिनेमा को देन है ये नेचर की. और बड़ी खुशी होती है जब और मराठी फिल्में जैसे कोर्ट, फंडरी, बेहतरीन फिल्में अजिंक्य देखने को मिलती हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि मराठी सिनेमा में इस तरह की फिल्में बन रही हैं. सिर्फ जो पुराने ज़माने में जो माइंडलेस कॉमेडीज़ बनती थी वही नहीं बन रही हैं, मीनिंगफुल सिनेमा बन रहा है. ये कहने को मराठी फिल्म है पर मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड सिनेमा का हिस्सा है. इस तरह की कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इस फिल्म का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को इस फिल्म में होना ही है. जब मैंने पहली बार इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म तो मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, स्पेनिश में हो, मराठी में हो, इटालियन में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, डेफिनेटली डू इट. इसमें बेहतरीन कलाकार हैं, एक से एक मंझे हुए कलाकार हैं. चाहे आप डायरेक्टर को ले लीजिए जो कि उमेश कुलकर्णी है, राइटर हैं गिरीश कुलकर्णी जो एक्टर भी हैं, रेणुका शाहानी हैं, हुमा कुरेशी हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं. तो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट दे कंसिडर्ड मी फॉर दिस फिल्म. मैंने हमेशा कहा है और मैं फिर कहूँगी कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कहानी. अगर कहानी में दम है उसकी भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई लोग तो वो भाषा बोलते हैं, और आजकल तो सबटाइटल्स के साथ दुनिया, सारी दुनिया देख रही है, हर तरह की फिल्में देख रही है. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ख़ास करके जो हाईवेज पे घूमते फिरते हैं लोग, उनको इस कहानी से बहुत कुछ मिलेगा देखने को.